हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे पास बताने को दो दो खुशियां हैं। पहली तो ये कि हमने गाड़ी ले ली और दूसरा सुखदीमान ने भी बाइक ले ली है। और इसी बात पे हम लोग आ जाए हैं फोटो शूट करने, मतलब गाड़ी और बाइक दोनों के साथ शूट करेंगे। गाड़ी के साथ तो क्या ही शूट करेंगे, लेकिन मेनली बाइक के साथ शूट करेंगे। और इसलिए हम पहाड़ों वाली लोकेशन पर आ गए हैं। यह है बुर्ज कोटिया, यहाँ पे आपने मेरे को पहले भी देखा होगा अभी, एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम है, इस टाइम थोड़ी सी धूप हो रही है, इसलिए बाइक लिया तुमने। बाइक क्या करना चाहोगे, इतनी बढ़िया बाइक लिया आपने तो इससे इंशाल्लाह भाई, बस भगवान का शुक्र है, भगवान की कृपा से बाइक ले ली हमने। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। क्रेटा वर्सेस हंटर का आज हम वो करेंगे, क्या कहते हैं, कंपैरिजन। तो गाइस आज होने वाला है क्रेटा वर्सेस हंटर टोचन। व्हाट भाई, एक काम करो, बाइक को यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे लगा दो भाई, ड्राइवर बाइक लगा वहाँ पे। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। बैठ जाओ भाई, चलो भाई पहले किसके, तुम्हारे खींचे तुम्हारी बाइक का, तुम खींचाओ पहले यार, हमें तो कहाँ खींचा दो ना। चलो भाई ठीक है, स्टार्ट है मेरी फोटो। यहाँ पर हमने पीछे से आती हुई बैक लाइट को एज ए रिम लाइट बना लिया, एंड बाइक के ऊपर बहुत ही बढ़िया गोल्डन लाइट्स आ रही थी। भाई अभी देखना, मेरे को बहुत तगड़े आइडिया आए फोटो के, मतलब इसको निभाऊंगा, चुप निभाऊंगा। माशाल्लाह बहुत बढ़िया फोटो आई है, एक बार जैकेट खोल लो भाई, मैं इसके पीछे से निकल के आऊंगा बाइक के, ठीक है, क्लिक करना। यहाँ नहीं आएगी, चलो और चलते नहीं, या फिर यहाँ पे बाइक चलाओ और कुछ जाने फोटो कुछ और वहाँ चलते हैं, बाइक के आगे खींचते हैं, यहाँ पे पहाड़ दिखे पीछे, आ जाओ ठीक है। इधर ये टूटे फूटे खंडर है भाई, यहाँ पे आ जाओ कुछ, ठीक है। तो भाई मैं इसकी कैप लगा लेता हूँ। अलग सा फ्रेम बुक मेरी क्लिक करना है, ये वाला आगे वाला ब्लर रखना है, ठीक है, कोई गलत उंगली काट दिया नहीं, एक फोटो में है। तो भाई जो ऐसे फोटोज क्लिक करे ना वो लेजेंड है। यहाँ से तो जम मार लोगे, यहाँ से तो जम मार लोगे नहीं। भाई बहुत हो गया, यहाँ पे फोटो रहे, बहुत मच्छर काटने लग गए, चलते हैं सारे नेक्स्ट सीजन चलते हैं। भाई ये लोकेशन में हम फाइनल रुके हैं और यहाँ पे हम इसलिए रुके हैं क्योंकि यहाँ पे फोटो हमारे मस्त आ सकते हैं। यहाँ पे एक बार इस रोड को देखो आप, अगर नीचे से बाइक आ रही होगी तो हम फोटो क्लिक करेंगे, जैसे वो देखो स्कूटर है तो बहुत सेक्सी फोटो आ सकती है हमारी, तो बस यहाँ पे एक ही बारी फोटो क्लिक करके निकलेंगे और आगे जाने का फायदा नहीं यार बहुत ज़्यादा। भाई प्रिंस सुन ना, एक फोटो क्लिक करूँगा, तुझे तो क्या करना है, बस नीचे से बाइक ज़्यादा ऊपर आना, ठीक है, बिना हेलमेट के साले को बम से उड़ा दूंगा ये। भाई काफ़ी पीछे से आइए, ठीक है, पोज नहीं करा, बोल जो करना चाहिए मैं आऊंगा, ठीक है, चला लूंगा, बैक कर लूंगा वहां से। मुझे लगा ऐसी होगा, मतलब तुम व्यू कैप्चर कर रहे हो वैसे, मैं फोटो ये तो बहुत ही मनमोहक है।
यहाँ पे कार लगी से पिछले भाई यहाँ पर फोटो में एक ट्रैवलिंग वाला एलिमेंट डालने के लिए मैंने एक हेलमेट को ऐड कर लिया और जस्ट उसको उतारते हुए फोटो क्लिक किया एंड फोटो बहुत ही बॉम्ब आई। भाई बहुत ही सेक्सी फोटो आ गई यहाँ पर, लेकिन इसके नीचे जो व्यू दिख रहा ना भाई, इसके अलग ही मजे हैं। मतलब ये देखो नीचे, भाई डर लगा देख के। लेकिन जो नदी है ना, हम सोच रहे हैं यहाँ पर जाया जाए, हालांकि सनसेट तो हो गया है, लेकिन फिर अभी फोटो क्लिक कर लेंगे। रात के टाइम पर अच्छी फोटो आती है, मतलब हमारे पास R5 है तो लो लाइट तो अच्छी कैप्चर कर ही लेगा। तो चलो भाई फटाफट से वहाँ चलते हैं। 20 minutes later. भाई देखो उस पहाड़ से चल के हम नीचे आए, यहाँ पर ये नदी इतनी प्यारी दिख रही है, इतना मस्त व्यू है। लेकिन यहाँ पर ये पुलिस वाले भैया ने कहा कि यार नीचे आना अलाउड नहीं है, तो फिर क्या ही कर सकते हैं भाई, नहीं जाना फिर नीचे क्या फ़ायदा हुआ फिर हमारे यहाँ के यार। लेकिन व्यू कितना प्यारा भाई यहाँ से, देखो ये भाई यहाँ पर बैठ तो सकते हैं ऊपर, वैसे भी काफ़ी चौड़ी दीवार है, इस पर बैठ के अच्छी फोटो आ जाएगी। एक बार बैठो सेंटर में, मैं एक लॉन्ग एक्सपोजर रनिंग ट्राई कर रहा हूँ, मतलब वाली फोटो होती है ना, तो लेट्स सी। पानी पास होता है ना फिर से दूर है, इसलिए थोड़ा सा भाई। ये था हमारा पूरा दिन एंड काफ़ी मस्त हमारी फोटोज आई है, वीडियो भी काफ़ी अच्छी बनी है, हालांकि लो लाइट बहुत ज़्यादा हो चुका है, पर R5 में आई थिंक थोड़ा बहुत सही कर लिया होगा, लो लाइट परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही है, तो बहुत ही मस्त भी है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, आई होप आपको सारी ये फोटो अच्छी लगी होंगी। वैसे आपको फेवरेट फोटो कौन सी लगी आप जरूर बताना कमेंट करके, मुझे पर्सनली ये वाली फोटो बहुत अच्छी लगी, उसमें बिल्कुल नेचुरल सी वाइब आ रही है और फेवरेट फोटो बन चुकी है मेरी ये वाली। तो बाकी ये सभी फोटो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर दूँगा, जाकर आप वहाँ पे चेक कर लेना। एंड अगर आपको वीडियो कुछ भी अच्छा वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर अगर सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपसे ऐसी किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। बाय गाइस। मैं डर गया भाई, मेरा कोई गाय भाई भाग गया।